अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। ठीक है, ले जाइए आगे, मन जाना वो। दो जनों को पीछे बिठा दे, दो बीच में बिठा लो, दो को बिठा दे, बीच में ले आगे बिठाया काम। बैठो बैठो बैठो, चिंता की बात नहीं है, वो टेंशन एंड टॉल एकदम आई। घनी पड़ती है ना, इसलिए चले चल। अब भली पंखा चल। सत्रह सात 23 को नेशनल हाईवे पर बाईपास रोड पर एक ट्रक क्लीनर संजू की हत्या कर दी गई थी। उस हत्या में 7 लोगों के नाम सामने आए थे, जिसमें से 4 आरोपियों को हमने दिनांक 22 को गिरफ्तार कर लिया था। उनसे घटना में प्रयुक्त वेपन्स भी जब्त किए थे और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिलें भी जब्त की थी। वक्त समय 3 आरोपी घटना से फरार थे, जिनके नाम सामने आने पर इन 3 फरार आरोपियों को हमने 3 .315 बोर के कट्टों और कारतूसों के साथ में गिरफ्तार किया है। इन 3 युवकों के नाम रवि पुत्र मेहनबार बंजारा, राहुल उर्फ बच्चा और कुंदन बंजारा है। सर, क्या इस तरह से इनके पास से हथियार निकले तो क्या ये आदतन अपराधी है, क्या इनका अपराधी? हाँ, इसमें से रवि बंजारा और राहुल बंजारा जो है ये आदतन अपराधी है। इनके विरुद्ध पहले से ही कई अपराध पंजीबद्ध है। इसी प्रकार पूर्व में भी जो आरोपी चेतन पकड़ा गया था उसके विरुद्ध भी पहले से ही 2 अपराध पंजीबद्ध थे। सर, इनको कहाँ से गिरफ्तार किया है फरार आरोपियों को? इनको 2 आरोपियों को बाईपास रोड के पास से इंडस्ट्रियल एरिया में आयशर फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया गया था और 1 आरोपी को जो है ये एस कुमार फैक्ट्री के पास से गिरफ्तार किया। सर, क्या अब इन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी है पुलिस? जी बिल्कुल, आज इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एफआईआर भी मांगा जाएगा? इनसे जो पूछताछ करनी थी, कल रात्रि में इनको गिरफ्तार किया है, इनसे जो पूछताछ करनी थी और जो हथियार जब्त करने थे पुलिस द्वारा जब्त कर लिए गए हैं। अब फर्दर और ज़्यादा पूछताछ की आवश्यकता नहीं है, जो पूछताछ की है पुलिस उन तथ्यों पर आ गई। अब काम सर, ये हथियार कहाँ से लिए थे, कोई जानकारी लगी है? इस बारे में भी हमने जानकारी एकत्रित की है, अब उन तथ्यों का हम खुलासा समक्ष में नहीं कर सकते, इन पर पुलिस कार्रवाई करेगी। थैंक यू।